हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेवन्थ क्लास साइंस आपकी, ये फिर से क्लास स्टार्ट आपकी। इसमें लेसन आपका चल रहा है 3। लेसन 2 कंप्लीट हो चुका है, ये हिंदी मीडियम की साइंस की क्लास है बेटा। इसमें लेसन 2 के अंतर्गत आपने जो पढ़ा था वो एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ कि लेसन 3 और लेसन 1 क्या था। जैसे अब कुछ बच्चे अभी वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ा। कि पहले चैप्टर के अंदर जैसे आपने पढ़ा था कि पादपों में पोषण, फिर प्राणियों में पोषण, फिर उसके बाद आपका ये टॉपिक आया कि रेशों से ऊन कैसे, रेशों से वस्त्र का निर्माण होता है। लेसन 3 आपका है, इसमें लेसन 3 का नाम है रेशों से वस्त्र तक। इसके पहले आपने जो है प्राणियों में पोषण और पादपों में पोषण पढ़ा। अब लेसन 3 का मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी आपको पूरा डिस्क्राइब किया था बेटा कि रेशों से वस्त्र तक में आप कैसे जानते हैं कि क्या है ये। इसके पार्ट के अंदर अपन को क्या पढ़ना है, इस पार्ट के अंदर अपन को ये जानना है कि रेशों से वस्त्र कैसे निर्मित होते हैं। तो सबसे पहले अपन को ये जानना पड़ेगा ना कि रेशे हैं क्या। तो रेशों को जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि रेशे किसे कहते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो जानना है वो है कि जांतव रेशे, यानी कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जो होते हैं वो कहलाते हैं जांतव रेशे। तो पहले जंतुओं की बात करते हैं हम, तो उस रेशों की बात करें तो जंतुओं से जो प्राप्त होंगे रेशे वो जांतव होंगे। अब जांतव रेशे के अंतर्गत भी आपको ये देखना पड़ेगा कि जंतुओं में कौन जंतु है जो रेशा देता है। तो आपका भेड़ है इसमें, याक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि कैसे कैसे आप इनके अंदर देखते हैं। भेड़ है, याक है, बकरी है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बेटा डिस्कशन भी किया था कि इसके अंदर जैसे जो आपके याक होते हैं वो तिब्बती क्षेत्र में पाए जाते हैं, भेड़ है वो तो नॉर्मली हर जगह देख सकते हैं आप, नॉर्मली कई प्रदेशों में देखे जाते हैं। और इसी तरह से अगर आप बात करते हैं बकरी की, तो अगर पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर की बात करें अगर वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ अलग है एटमॉस्फेयर, वहाँ पर मौसम अलग है। तो उस जगह की बात करोगे तो उसमें वहाँ पर जो पाए जाएंगे तो उनके अंदर स्पेशल क्वालिटी होगी। तो वहाँ के जो क्वालिटी होगी या जो उनसे प्राप्त होंगे रेशे, उनसे शॉले का निर्माण होता है, यानी शॉले बनाई जाती हैं। इनसे प्राप्त शॉलों को बोलते हैं पश्मीना शॉल। इसका डिस्कशन अब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपका कर दिया था। फिर मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात भी लिखी थी कि ऊँट से भी आप जो है रेशा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपने देखा। इसके बाद बेटा जंतु प्राप्त करने में मैंने एक चीज़ का नाम और लिया था आपका कि रेशम कीट। रेशम कीट जो होता है वो रेशम कीट के कोकून से भी आप जो है रेशम प्राप्त करते हैं। तो रेशम कीट के कोकून से भी आपको रेशम प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। इसमें रेशम कीट के कोकून से आप रेशम जैसा रेशमी जो होता है ना, रेशमी वस्त्र बना निर्मित करते हैं, तो वो रेशम से ही तो होता है। वो रेशम कीट होती है जिससे रेशम मिलता है। अब इसमें आज जैसे इतना तो आपने पढ़ लिया था, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि भेड़ों में अच्छी नस्ल की भेड़ उत्पन्न हो इसलिए प्रजनन कराते हैं, जिसे वर्णात्मक प्रजनन विधि कहते हैं। तो ये आपके इतना तो लास्ट वीडियो में था। अब आज के वीडियो में या आज की क्लास के अंदर देखिए क्या डिस्कशन चलेगा, रेशों से ऊन तक। अब रेशों से ऊन तक ये इसके अंदर आपको क्या जानना है कि जो आपने रेशे जंतुओं से प्राप्त किए उनसे आप ऊन कैसे बनाओगे, ठीक है। अब ऊन से फिर आपका आएगा वस्त्र। तो ये ध्यान रखना अपन को कहाँ चलना है। आपका पाठ का नाम यही है कि रेशों से वस्त्र तक। तो इसमें तो सबसे पहले अपन को जानना पड़ेगा कि रेशे क्या है, फिर रेशे किससे प्राप्त होते हैं, फिर रेशों से आप ऊन कैसे बनाओगे, फिर ऊन से आप वस्त्र का निर्माण कैसे करोगे। तो अब देखिए पहला इसके अंदर जो टॉपिक है रेशों से ऊन तक में, इसमें आपका जो स्टेप मैंने लिया है वो पहला है भेड़ पालन और प्रजनन। पहले भेड़ों के बारे में जानकारियाँ है दी हुई, तो आपका वही डिस्कशन चल रहा है। तो देखिए भेड़ के बारे में आप जानेंगे तो सबसे पहले आपका भेड़ पालन और प्रजनन, इन दोनों बातों पे गौर किया जाता है अगर आपको ऊन तैयार करना है।
सबसे पहले भेड़ को पाली जाती, भेड़ पाली जाती है, फिर उनका प्रजनन कराया जाता है जिससे कि हमें अच्छे किस्म के रेशे मिले। अच्छे किस्म के रेशे मिलेंगे ताकि हम अच्छे किस्म के रेशों से वस्त्र को निर्माण दे सकें। इसके अंदर फिर मैंने आगे देखे लिखा भी है अपने इसमें कुछ प्रदेशों के नाम, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, गुजरात आदि, इन जगहों पे आपके ये देखे जाते हैं भेड़। यहाँ पर जो होते हैं ये मैदानी क्षेत्र हुए, जम्मू कश्मीर तो आपका खैर पहाड़ी क्षेत्र है, बाकी जो ये उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तो पहाड़ी हो गए, राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश भी आता है, तो ये सब हो गए मैदानी। इन इलाकों में भेड़ पाए जाते हैं। मैदानी और पहाड़ी में बस ये अंतर है कि जो पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाएंगे भेड़, उनकी थोड़ी उनके अंदर जो होगी वो स्पेशल थोड़ी रचना अलग होगी, और जो मैदानी क्षेत्र में पाए जाएंगे भेड़ उनकी रचना थोड़ी अलग होगी। दोनों में अंतर ये होता है कि जो पहाड़ी वाले होते हैं जो भी आपके भेड़, उनमें बालों की जो होती है मात्रा वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ठंडे के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उनका शरीर पर ढकने के लिए, ठंडक से बचने के लिए बालों की मात्रा अधिक होती है। और जो मैदानी इलाकों में होते हैं तो वो आपके कम होते हैं थोड़े, क्योंकि वो गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं, तो उस हिसाब से उनके शरीर में उन्हें कुछ ऐसा तो है नहीं कि उनको ज़रूर चाहिए, तो वो संख्या में या मात्रा में कह सकते हो कम होते हैं। इसीलिए जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो भेड़, उनमें उनसे जो प्राप्त होती है ना रेशे, वो जो है मजबूत ज़्यादा माने जाते हैं और थोड़े मोटे होते हैं, गठे होते हैं, तो उनसे शॉले वगैरह ज़्यादा प्रिफर करते हैं बनाना, शॉले वगैरह निर्माण करते हैं। तो इसमें मैंने ये चीज़ें लिखी। इसके बाद देखिए नोट डाल के मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, वर्णनात्मक प्रजनन। ये मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, ये विधि एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत आप इस विधि के द्वारा अच्छे किस्म के जो भेड़ है उसको उत्पन्न करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो जनक होता है वो भी एक जनक अच्छे किस्म नस्ल वाला होता है, तो फिर उसका जो उत्पत्ति होती है, जो संतति का निर्माण होता है, वो भी उस तरीके का अच्छी नस्लें ही देगा। तो ये ध्यान रखें, तो वर्णनात्मक प्रजनन के द्वारा आपकी ये देखी जाए तो अच्छी नस्ल की भेड़ उत्पन्न करना, ये प्रजनन विधि अपन अपनाते ही इसीलिए हैं ताकि अच्छी नस्ल की भेड़ उत्पन्न हो सके। तो इसमें आपने देखा कि वर्णनात्मक प्रजनन के द्वारा आप भेड़ की जो है अच्छी नस्लें प्राप्त करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका स्टेप है कि रेशों को ऊन में संसाधित करना, ये आता है। अब इसका क्या मतलब होता है? मैंने तो ये चीज़ तो आपको डिस्कशन कराई दिया कि वर्णनात्मक प्रजनन क्यों कराते हैं, ताकि अच्छे किस्म की भेड़ उत्पन्न हो अच्छी नस्ल की, क्योंकि उनका एक जनक अच्छी नस्ल वाला होगा। अगर आपको अब इन रेशों को ऊन में संसाधित करना है तो आप किन किन स्टेपों को लेते हैं वो ज़रा ध्यान से देखें एक एक करके। जैसे पहला, ऊन की कटाई, फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड, अभिमार्जन। थर्ड, छटाई। चौथा, सुखाना। फिर पांचवा, रेशों की रंगाई। और छठा, रीनिंग। तो इनको एक एक स्टेप में जानते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मैं बताती हूँ, इसको सभी नोट डाउन करेंगे, वीडियो आप जो है सुन के अपनी कॉपी में ये जो मैं इनमें उदाहरण दे दूँगी या जो भी समझाऊँगी उसे आप आगे लिखोगे हेडिंग डाल के, ये सेवन्थ क्लास सुन लेना। तो देखिए पहला आपका है ऊन की कटाई। अब कटाई के अंदर जो क्या, जैसे बाल काटते हैं ना, जैसे व्यक्ति के भी बाल, जो मनुष्य की बात करें तो उनके बाल जब कटते हैं तो उन्हें पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता, बल्कि उन्हें कभी कभी तो सुकून मिलता है, आराम मिलता है कि भाई बहुत ज़्यादा बाल हो गए तो गर्मी उस हिसाब से लग रही। उसी तरह से भेड़ों के जब बाल काटते हैं तो उन्हें दर्द महसूस नहीं होता, उन्हें दर्द नहीं होता है, वो उनको ऐसा नहीं होता कि कोई उनकी जो है उनको पेन हो रहा है, तो बालों को आराम से उतार लिया जाता है, काट लिया जाता है। तो सबसे पहले ऊन बनाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, ऊन की कटाई। ऊन की कटाई के अंदर आप लिखोगे कि बालों को मशीन के द्वारा अलग करते हैं। इस विधि में बालों को मशीन के द्वारा अलग करते हैं।
चूँकि बाल जो है एक मृत कोशिका है, एक बालों को मृत कोशिका कहा गया है, मरी हुई कोशिका। तो बालों को जब मरी हुई कोशिका कहा गया है तो इसका मतलब वो पहले ही मर चुकी है, तो उसमें ऐसा दर्द नहीं होता। तो यानी मृत कोशिका का बोला गया है। तो यानी इसमें ऊन की कटाई में बालों को आप मशीन के द्वारा अलग करते हैं। अभिमार्जन, अभिमार्जन का मतलब होता है बड़ी बड़ी बाल्टी या टंकियों में फिर जो उनके बाल उतारे गए हैं ना, उसको अच्छी तरीके से धोया जाता है पानी से, केमिकल से भी धोते हैं, तो पानी या केमिकल से धोया जाता है रासायनिक विधि द्वारा, तो वो कहलाता है अभिमार्जन। तो सबसे पहले ऊन देख रहे हो आप कि कैसे आप ऊन बनाओगे, तो पहले आप कटाई करोगे किसकी, बालों की। बालों की कटाई मशीन द्वारा करोगे भेड़ों की। फिर अभिमार्जन में आप बोलोगे कि अभिमार्जन में क्या किया जाता है कि इस विधि के अंदर हम बाल्टी या टंकियों में पानी भरकर अच्छी तरह से उनको धोते हैं। धोने के बाद इसके बाद है छटाई। छटाई का मतलब होता है बेटा कि जब धो लिया तो फिर उसकी छटाई करते हैं। धोने पर ये होता है कि जो टूटे फूटे जो उनसे रेशे हैं या जो उसके बाल हैं वो अलग हो जाते हैं, जो कि निरर्थक रहते हैं, जैसे कि जिनका कोई उसमें ऐसा नहीं लग रहा हमें कि यूज़फुल हैं, है ना, रोई जैसे हैं या टूट रहे हैं, तो वो अलग कर लिया जाता है। तो वो विधि आपकी कहलाती है छटाई। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि पहले, फिर से मैं बोलती हूँ आपको कि पहले आप बालों की कटाई करते हैं मशीन द्वारा, वो पहला चरण हो गया चरण एक। फिर चरण दो में आपका, चरण दो के अंदर है फिर आपका अभिमार्जन। अभिमार्जन के अंदर फिर आपका है कि इसके अंदर आप जो है, यानी अभिमार्जन के अंदर आप ये देखते हैं कि इसके अंदर टंकियों में धुला जाता है। तो धुलने के लिए यानी कि इसमें जैसे टंकी या बाल्टी का उपयोग करते हैं, तो इसके अंदर हम आराम से धुल सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। इसके लिए रासायनिक विधि का भी प्रयोग किया जाता है। छटाई, छटाई का मतलब होता है कि इसमें आप छटाई में ऐसे लिखोगे कि जैसे जो अनावश्यक जो रेशे हैं, जो कि मतलब जिनका ऐसा नहीं इम्पोर्टेंस है, जो कि हमारी विधि के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, एक तरीके से वेस्टेड हैं, या आपका वो ऐसा लगता है कि हाँ भाई नहीं है कोई आपके लिए ज़रूरी, तो वो आप छटाई के द्वारा अलग करते हैं। तो ये चरण तीन हो गया। तो चरण तीन के अंदर आप छटाई का उपयोग करते हैं, तो छटाई में आपके वो जो रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं। अच्छा, चौथा चरण है आपका सुखाना। सुखाना में फिर आप क्या करते हैं, उन रेशों को जो आपने अलग किया है वो फिर आप सुखाते हैं, उनको अलग करके सुखाते हैं। सुखाने में क्या होता है आपका, वो रेशे सूखते रहते हैं, उसकी भी विधि होती है, उसको अलग अलग जगह पे रख के सुखाया जाता है। जब वो सूख जाते हैं फिर उसके बाद विधि है आपके रेशों की रंगाई, फिर इनको तरह तरह के रंगों में रंगा जाता है जब ये सूख जाते हैं। एंड लास्ट आपका प्रोसेस है रिलिंग। रिलिंग का मतलब होता है कि अगर इनमें जैसे गुच्छे से हैं या जब सूख गए रंग गए, तो कुछ ऐसे हैं जो कि थोड़े से एक दूसरे में बंधे हुए हैं, एक दूसरे में लगे हुए हैं या फिर गुच्छे में हैं, तो उन्हें हम अलग करते हैं, तो वो आपका कहलाता है रीलिंग। और फिर जब आपके सब अलग हो जाते हैं तो वो एक तरीके से उनके गुच्छे उनको रोल कर करके उनके गोल बनाए जाते हैं, और उसके बाद उनको सेल किया जाता है या फिर उससे वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो आजकल तो खैर ऊनी ऊनी का बुनने का साथ जो है थोड़ा सा प्रचलन कम हो गया है, एक तो रेडीमेड सब पहनने लगे हैं यानी कि सिला सिलाया, तो उस हिसाब से यानी वस्त्र का निर्माण हो जाता है, क्योंकि हमें अच्छे किस्म के ऊन मिल गए, तो वो ऊन से आप धागा एक तरीके से जो आपका मिला रेशा वो आपका ऊन है, अब उसमें ऊन से ही के धागे बना लो, ऊन जो मिला आपको उसके धागे बना लो, और धागों को लेकर फिर आप उसमें स्वेटर है या कोई भी रूप दे सकते हैं, शॉल है ना, चादरें हैं, कैसे भी आप कोई भी रूप बना सकते हो फिर खींच कर। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आप रेशों से ऊन तक पहुँचे। तो बेटा ये आपका इम्पॉर्टेंट प्रोसेस था जिसमें आपने भेड़ पालन के बारे में पढ़ा और उसकी प्रजनन विधि पढ़ी। तो इस तरीके से आपने जाना कि कैसे हम रेशों से ऊन को हम बाहर निकालेंगे, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा। हर एक वीडियो के अंदर मैं हर एक चीज़ डिटेल समझा रही हूँ, एक एक चीज़ को दो दो बार तीन तीन बार रिपीट कर रही हूँ बेटा,
प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अगर आप वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं तो प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से प्लीज़ वीडियो सुने और समझे तो आपकी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो थोड़ा सा ध्यान से सुने और नोट्स में मेरे समझाई हुई बातों को भी लिखें। आप सिर्फ बोर्ड का उतार लेते हैं, बोर्ड का तो उतार लीजिए, मैं आपको साधन दे रही हूँ, वो तो आपको मैं हेडिंग और पॉइंट दे रही हूँ, आप उतार लो, लेकिन कुछ अपना भी दिमाग लगाओ। जब वीडियो सुन रहे हो और मैं समझा रही हूँ तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस पॉइंट को भी तो सुने और समझें और लिखें, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें, क्योंकि कोई ऐसी लाइव क्लास है नहीं कि मैं आपको नोट्स करा दूं और सारी बातें लिखना पॉसिबल है नहीं। तो प्लीज़ आप अपना वीडियो सुन के तो लिख लो, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो ये लेसन 3 आपका इतना ही आपके आज के लेक्चर में। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई वो आप एक बार ध्यान से देख लेंगे, इसको समझ लेंगे कि किस प्रकार है। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करती हूँ, जल्दी जल्दी सुनिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में तीसरी बार आपको मैं रिपीट कर रही हूँ, रेशो से ऊन तक अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैसे रेशो से ऊन तक पहुँचेंगे, इसमें मैंने आपको भेड़ पालन और प्रजनन के बारे में बताया, भेड़ पालन क्या होता है वो भी बताया कि भेड़ को कहाँ कहाँ किसके प्रदेशों में पाला जाता है, क्षेत्रों के नाम लिखे मैंने, फिर उनके किस तरह से उनको पाल के फिर प्रजनन विधि के द्वारा उनकी नस्लें तैयार की जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने जानी। जैसे नोट में आपने जाना कि प्रणात्मक प्रजनन विधि द्वारा अच्छी नस्ल की भेड़ उत्पन्न की जा सकती है। इसी तरह से आपके मैंने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया कि रेशों को ऊन में कैसे संसाधित करते हैं। पहले तो आप भेड़ पालोगे ना, या प्रजनन तरीके से नस्लों को लाओगे, फिर उसके बाद उनसे प्राप्त रेशों को ऊन में संसाधित करोगे, तैयार करोगे। तो वो कैसे करते हो, तो वो स्टेप मैंने आपको समझाया। यहाँ पे 6 स्टेप हैं। जैसे पहला आपका स्टेप है ऊन की कटाई, जिसके अंदर वो जो जंतु है उनके बालों को उतारा जाता है, उतारने का मतलब काटा जाता है मशीन पे। दूसरा है अभिमार्जन, अभिमार्जन में धोया जाता है पानी, या बाल्टी में रख के या बड़ी बड़ी टंकियों में रख के उसमें पानी में उसको अच्छे से धोते हैं। फिर छटाई, अनावश्यक जो रोएदार या रेशे होते हैं या जो अनावश्यक रेशे हैं छोटे, उनको अलग किया जाता है, जो हमारे जो उपयोगिता को दर्शाते नहीं हैं उन्हें अलग करते हैं। तो ये छटाई का भी विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। फिर उसके बाद आप रेशों को सुखाते हैं, सुखाने की भी विधि अलग अलग तरीके की है कि किस तरह से उनके रेशों को हम सावधानीपूर्वक सुखाएँ। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि सुखाने के लिए भी जैसे बर को अलग अलग करना, बर को अलग अलग करना यानी छोटे 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 महीन एक रोएदार होते हैं रेशे, तो उन्हीं कहते हैं बर। तो जब सुखाते हैं ना, सुखा लिया हमने, तो सुखाने के बाद वो छोटे छोटे रोएदार जो रेशे दिख रहे हैं उनको अलग करते, क्योंकि वो चुभते हैं। कभी कभी देखा होगा अपने स्वेटर पर ऐसे दिखते रहते हैं छोटे छोटे रोएदार, तो वो उनको अलग करते हैं, ठीक है। तो बर को अलग करना इस विधि में आ जाएगा। फिर है रेशों की रंगाई, फिर रेशों को आप जो है अलग अलग प्रकार के रंगों में रंगते हैं, नीला, काला। और मैं बता दूं यहाँ पर कि भेड़ है, बकरी है, तो जनरली उनके जो रंग होते हैं ना वो काला सफ़ेद होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उनके जो रंग देते हैं ना ऊनों को, तो काला सफ़ेद। फिर उसके बाद लास्ट है रीलिंग। रीलिंग का मतलब होता है कि जब आपका पूरा तैयार हो गया रेशा रंग गया, तो आप जो है रीलिंग करते हैं, यानी कि उसमें जो आप अच्छे से उसकी बॉल बना बना के या फिर उसको पैक जब करते हैं, तो लच्छेदार, जैसे जो किसी में उलझ गया हो उसको सुधारते हुए, उसके शेप देते हुए उसको अलग करते हैं, यानी कहने का मतलब है जो आपस में उलझे हुए उनको सुलझाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर।